नमस्ते. हेलो, आई एम डॉक्टर मनदीप, डायरेक्टर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट सी के बिरला हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, पंजाबी विभाग. टुडे आई वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और न्यू इनोवेशन इन थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट. स्पेसिफिकली थायराइड सर्जरी में एक नई चीज़ आई है जिसके बारे में आई वांट टू डिस्कस विद यू. जब भी हम थायराइड सर्जरी या थायराइड की बात करते हैं तो उसमें हमारी विंड पाइप के आगे थायराइड ग्लैंड होता है, दो पार्ट्स में होता है, राइट और लेफ्ट, और बीच में भी एक कनेक्शन होता है. और थायराइड बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, पेट, हार्ट और बहुत सारी चीज़ें. और थायराइड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड होता है. पैराथायराइड ग्लैंड बेसिकली कैल्शियम, जो हमारी बॉडी का कैल्शियम मेंटेनेंस है, उसको कंट्रोल करता है. और थायराइड के पीछे हमारी वॉइस नर्व निकलती है जिससे हम बात करते हैं. तो जब भी थायराइड सर्जरी की बात होती है तो उसमें ये होता है कि हमें थायराइड ग्लैंड निकालना है, अगर लिम्फ नोड में स्प्रेड है तो लिम्फ नोड्स भी निकालने हैं, और पैराथायराइड ग्लैंड बचाना है और वॉइस नर्व भी बचानी है ताकि कैल्शियम डिरेंजमेंट ना हो और आवाज़ में कोई फ़र्क ना हो. इन बेस्ट ऑफ द हैंड्स, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में देखा गया है कि जो थायराइड सर्जरी में एक्सपर्ट सेंटर हैं वहाँ पे भी अराउंड 20% किसी को 27% कहीं 15% देर इज़ अ रेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद जो कैल्शियम डिरेंजमेंट होती है उसमें से ज़्यादातर कैल्शियम डिरेंजमेंट लॉन्ग टर्म जाके ठीक हो जाती है. बट इनिशली डेफिनेटली कैल्शियम डिरेंजमेंट होती है और लोगों को, हमें पेशेंट्स को बाद में कैल्शियम की टैबलेट देनी पड़ती है जब हम दोनों तरफ टोटल थायरॉयडेक्टमी करते हैं. और जो जब थायराइड सर्जरी हो रही होती है तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो नॉर्मली एक सर्जन के एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो पैराथायराइड आइडेंटिफाई करेगा और उसको बचाएगा और थायराइड टिश्यू निकालेगा. कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं कि पानी में डाल के देख लो, कलर कैसा है वैसे देख लो. अभी देर इज़ अ न्यू इनोवेशन दैट इज़ कॉल्ड एज नियर इंफ्रारेड इमेजिंग. नियर इंफ्रारेड इमेजिंग का मतलब है कि जो इंफ्रारेड कैमरा है उसके थ्रू अगर हम देखें तो पैराथायराइड ग्लैंड इटसेल्फ 800 से 1300 नैनोमीटर्स के अराउंड जो वेवलेंथ्स अगर आप उससे देखते हो तो पैराथायराइड ग्लैंड अलग से चमक के उठता है और थायराइड टिश्यू अलग दिखता है. तो उससे क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड आप देख लेते हो और देख के आप बचा लेते हो, और जो थायराइड है और लिम्फ नोड्स है उसको हम निकाल लेते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव जो कैल्शियम डिरेंजमेंट है वो कम हो, काफ़ी कम हो. डेटा ये बोलता है कि अराउंड जो 25% है वो 1% रह जाता है अगर आप निफी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो. हमने अभी 7 पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं इस टेक्नोलॉजी से और किसी एक पेशेंट को भी हमने बाद में या ना ही कैल्शियम मॉनिटर किया है, ना ही हमें कैल्शियम देने की ज़रूरत पड़ी है. सो दिस इज़ अ मैसेज आई वॉन्टेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू दैट आर सेंटर is now one of the best centers for thyroid surgery in Delhi, and obviously this is a new innovation which is we are one of the first guys in India to use NIFI technology for thyroid and parathyroid surgeries. Abhi tak ye technology Cleveland Clinic in US ya South Korea mein ya France mein use hoti thi, hamare North India specifically aur India mein we are one of the first guys to use it. Agar kisi bhi hamare patient ko ya koi thyroid ke liye koi कंसल्ट या सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमारे हॉस्पिटल से कनेक्ट करिए. वील बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू.